हे गाइस, स्वागत है आपका टेकेवी चैनल पे। तो सैमसंग का M34 5G जो डिवाइस है उसको यूज़ करते हुए मेरे को 3 से 4 दिन हो चुके हैं और ये डिवाइस काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को। ठीक है, एक जो कॉर्नर कटिंग करी है सैमसंग ने वो है इसका जो प्रोसेसर है, जो कि है एक्सिनोस का 1280, जो कि सेम है जो M33 5G में था। बट उसके बाद जो बाकी चीज़ें सैमसंग ने इसमें दी है ना, जो 17,000 से मतलब 17,000 से कम का मेरे को डिवाइस पड़ा ना, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। ब्लोटवेयर ना के बराबर मिलते हैं आपको, सुपर एमोलेड आपको डिस्प्ले मिलती है। अभी मैंने इसकी ब्राइटनेस फुल कर रखी है, बहुत बढ़िया डिस्प्ले है यार। आप नेटफ्लिक्स पे कंटेंट देखोगे, यूट्यूब पे कंटेंट देखोगे, तो जो ब्लैक्स है ना वो एकदम क्रिस्पी ब्लैक दिखते हैं, जो व्हाइट है आपको क्रिस्पी व्हाइट दिखते हैं, वहाँ आपको कोई इशूज़ नहीं आने वाले। ठीक है, इसके अलावा जो उसका जो कैमरा है ना गाइस, 50 मेगापिक्सल कैमरा विद OIS, इसका मैं डेडिकेटेड एक वीडियो लेके आ रहा हूँ अपने चैनल पर। तो आप सब मेक श्योर रखना कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और जो आइकन है ना नोटिफिकेशन बेल वाला, उसको क्लिक कर देना, जिससे कि आप वो नोटिफिकेशन मिस ना करो। ठीक है, उसके बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि कैमरा कैसा है इसका, 50 मेगापिक्सल कैमरा विद OIS। ठीक है, बाकी इस वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा फोन में कितने लैग्स हैं, लैग्स कितने हैं भी कि नहीं वो बता दूंगा। इसके अलावा इसका मैंने बैटरी लाइफ टेस्ट भी कर लिया है, मेरे को इसमें कितनी बैटरी लाइफ मिल रही है इस डिवाइस के अंदर, मैंने गेम्स भी खेल के देखे हैं। तो ओवरऑल आपको पूरा समझ में आ जाएगा इस वीडियो के अंदर कि भाई इस फोन में दम कितना है। ठीक है, तो 17,000 की जो रेंज है सैमसंग ने काफ़ी अच्छी टक्कर देने की कोशिश करी है काफ़ी सारे प्लेयर्स को जो मार्केट में इस प्राइस रेंज के अंदर है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूँ बैटरी लाइफ कैसी चल रही है इसकी। तो हम आते हैं इसके सेटिंग सेक्शन पे, हम आएंगे इसके बैटरी एंड डिवाइस केयर पे, हम आएंगे बैटरी सेक्शन पे। यहाँ पे तो गाइस आप चार्ट देखो सामने, यहाँ पे दिखा रहा है 2 डे 23 आवर यूज्ड, तो अप्रॉक्सीमेटली 3 दिन होने वाले हैं, मैंने इसको 3 दिन से चार्ज नहीं किया है। और स्क्रीन ऑन टाइम मेरे को मिल रहा है 9 आवर 47 मिनट्स, मतलब 10 घंटे के आसपास होने वाले हैं। और अभी तक ये डिवाइस चल रहा है, 12% बैटरी अभी भी रिमेनिंग है, जो कि बहुत बढ़िया है। तो नॉर्मल यूजर्स में ये डिवाइस आपको 11 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आराम से निकाल के दे देगा। अब मैंने क्या किया, 3 दिन के अंदर मैंने 3 घंटे तो उसमें कॉल ऑफ ड्यूटी गेम खेला है, देखो आप COD। ठीक है, अब आप बोलोगे यार ये COD चला भी पाएगा कि नहीं, गाइस मक्खन चला लेता है, बट ग्राफिक्स मीडियम रखना तो आपको कोई इशू यहाँ पे नहीं आएंगे। यूट्यूब मैंने 6 घंटे चलाया था, कैमरा मैंने यूज़ किया 15 मिनट्स के आसपास, गैलरी मैंने एप्लीकेशन यूज़ करी, बाकी सारी सैमसंग की एप्लीकेशन वगैरह। तो 3 दिन का बैटरी बैकअप मेरे को मिल गया जब मैंने 3 घंटे गेम्स खेले और 6 घंटे यूट्यूब चलाया, तो 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम तो ये फोन आपको आराम से मक्खन निकाल के दे देगा। अब एक्जीनोस का जो ये प्रोसेसर है ना 1280 वाला, ये 5 नैनोमीटर बेस्ड है, तो बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर है। और गेमिंग वगैरह करते वक्त मेरे को ऐसा कुछ खास लगा ही नहीं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट अप जनरेट हो रहा है, ऐसा मेरे को कुछ खास फील हुआ नहीं इसके अंदर। तो हीटिंग में बोलूंगा ठीक ठाक है, ऐसा कुछ खास बहुत ज़्यादा हीटअप नहीं होता डिवाइस ये। ठीक है, नॉर्मल हीटिंग गेमिंग के टाइम पे होना तो नॉर्मल है, कोई खास बात है नहीं, बट ऐसा कुछ खास हीटिंग इशूज मेरे को देखने को नहीं मिले गेमिंग के टर्म्स पे। तो ठीक है, तो बैटरी लाइफ तो गाइस बहुत बढ़िया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब एक चीज़ आपको बता देता हूँ, काफ़ी सारे लोगों का डाउट होगा कि एक्सिनोस 1280 थोड़ा मीडियम का प्रोसेसर है, इसके 82 बेंचमार्क आपको दिखाऊं मैं, तो आप एक बार देख लो दोबारा से, जो कि 4,80,000 के आसपास आते हैं, 4,90,000 के आसपास। ये वर्जन 10 वाला 82 है, तो थोड़ा हाइप करके दिखाता है। तो आप यदि पुराने 82 वर्जन में चेक करोगे ना, तो उसका जो स्कोर आएगा 4,10,000 के आसपास आएगा। ठीक है, तो ये जो एक प्रोसेसर है वो मीडियम का प्रोसेसर है, बहुत ज़्यादा पावर एफिशिएंट है बट बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है। तो थोड़ा बहुत आपको UI के अंदर हिकअप्स दिखेंगे, वो आप खुद देखो कहाँ दिखते हैं। मैं एक एक करके एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, आप खुद देखना, क्योंकि आप रोजमर्रा के टाइम में अपने फोन को यूज़ करोगे तो एप्लीकेशन तो यूज़ करोगे, मिनिमाइज करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा ये डिवाइस आपको लेना चाहिए कि नहीं। स्टार्ट करते हैं गैलेक्सी स्टोर से, इसको मिनिमाइज़ करते हैं, गैलरी को ओपन करते हैं मिनिमाइज़ करते हैं, प्ले स्टोर को मिनिमाइज़ कर देते हैं, यहाँ पे गूगल ड्राइव को ओपन करते हैं हम, इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, यहाँ पे गैलरी को हमने पहले ओपन कर ही लिया था, अभी जीमेल को ओपन करते हैं, इसको हम मिनिमाइज़ कर देते हैं, गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं मिनिमाइज़ कर देते हैं, कैमरा एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, फटाक से फोटो खींचते हैं। देखिएगा इस यहाँ पे फोटो क्लिक नहीं हो रही है, अब जाके फोटो क्लिक हुई है। थोड़ा टाइम लेता है सैमसंग का M34 का जो कैमरा एप्लीकेशन है स्टेबल होने में। ठीक है, अब मैं फोटो खींचते जा रहा हूँ, यहाँ पे फोटोज क्लिक नहीं हो रही है, तो थोड़ा टाइम लेगा, ये शटर लैग बहुत ज़्यादा है। देखो अभी फटाफट खींच गई है, दोबारा फटाफट हो गई है, तो कैमरा एप्लीकेशन अगर तुरंत खोलोगे ना तो कहीं ना कहीं आपको लैग्स दिखेंगे। आप वहाँ पे शटर पे क्लिक करोगे लेकिन फोटोज क्लिक नहीं होंगे, क्योंकि जो कैमरा एप्लीकेशन है स्टेबल होने में थोड़ा टाइम लेती है, और आप जब कैमरा एप्लीकेशन को मिनिमाइज भी करोगे ना तो आपको थोड़ा सा जिटर लैग्स दिखेंगे। ठीक है, तो एक्सिनोस 1280 की लिमिटेशंस है, ऐसा नहीं एक्सिनोस 1280 बहुत पावरफुल प्रोसेसर है, तो ये आपको ध्यान रखना। हम बाकी एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, बाकी एप्लीकेशन ओपन करते हैं, लाइक हमारा गेम लॉन्चर हो गया, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, सैमसंग शॉप हो गया, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, अमेजोन को ओपन कर लेते हैं, अलाउ कर देते हैं इसको, इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं, माई गैलेक्सी को ओपन करके ओके नेटवर्क एरर आ गया। इसके अलावा हम कॉन्टैक्ट्स को ओपन कर लेंगे, मिनिमाइज़ कर देंगे, इसके बाद गूगल TV को ओपन करते हैं, इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, अब हम गेम ओपन करते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी, ठीक है इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। ठीक है, हल्का सा मेरे को लैग दिखा, दोबारा से हम कैमरा एप्लीकेशन ओपन करते हैं, दोबारा से ट्राई करते हैं लेने का, देखो अभी 2-3 बार मैंने क्लिक किया
कैमरा वाले बटन पे, बट फोटोज क्लिक नहीं हो रही थी। ठीक है, तो जो कैमरा एप्लीकेशन है थोड़ी हैवी एप्लीकेशन है, स्टेबल होने में टाइम लेती है, तो ये आप ध्यान रखना। तो थोड़े बहुत आपको जिटर लैग्स दिखेंगे, बट ऐसा नहीं है कि फोन यूजेबल नहीं है, फोन आप यूज़ कर सकते हो, लैग्स आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो सैमसंग के जितने भी फोन है ना 20,000 से कम के, वो मिड सेगमेंट वाले प्रोसेसर को यूज़ करते हैं, तो आपको लैग्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, जो कि 100% श्योरिटी है। तो गाइस कहीं ना कहीं आपको माइन्यूट ग्लिचेस देख सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि फोन यूजेबल नहीं है, काफ़ी स्मूथ है बाकी देखा जाए तो। मेरे को तो काफ़ी सही लगा यार, मतलब 17,000 की प्राइस रेंज में आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। अब गाइस मैं आपको यहाँ पे गेम्स भी खेल के दिखा देता हूँ, मैंने इसमें COD वाला गेम डाउनलोड कर रखा है और 3 घंटे मैंने तो खेला ही है। मीडियम सेटिंग्स पे ना आराम से इस गेम को खेल पाओगे, कोई आपको इश्यूज नहीं आने वाले। थोड़े बहुत आपको हल्के से फ्रेम लैग्स और फ्रेम डिप्स देख सकते हैं, बट कुछ मेजर नहीं, आप आराम से इसमें गेम खेल सकते हो। मेरे को उम्मीद नहीं थी यार एक्सिनो स्टेबिलिटी थोड़ा बहुत गेम भी संभाल पाएगा, बट इजीली संभाल पाया है वो, तो दैट इज़ गुड थिंग। तो अभी मैं इस पे गेस्ट पे लॉगिन कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं सेटिंग्स पे आता हूँ, सेटिंग्स पे आने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ ऑडियो एंड ग्राफिक्स। तो गाइज देखिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है वेरी हाई, और जो हमारी ग्राफिक्स क्वालिटी है वो मीडियम। ठीक है, अभी मैं सेलेक्ट कर देता हूँ उसको हाई पे और इसको मैक्स पे सेलेक्ट कर दो। जैसे ही मैं इसको फ्रेम रेट को मैक्स पे सेलेक्ट करूंगा, जो ग्राफिक्स क्वालिटी है वो लो पे स्विच हो जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आप जो हाई क्वालिटी है वो आप फ्रेम रेट जब वेरी हाई होगी उसी पे सेलेक्ट करोगे, तो ये आप गेम्स खेल पाओगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से काफ़ी सही है यार। तो ग्राफिक्स भी आप हाई खेल सकते हो और फ्रेम रेट आप वेरी हाई रख सकते हो। अब मैं इसको पीछे जाता हूँ, गेम प्ले हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे गाइस आप देखो, कोई भी मेरे को ऐसा ना कुछ खास गेम फ्रेम्स ड्रॉप जैसा सीन तो मेरे को नज़र नहीं आ रहा, काफी स्टेबल काफी स्मूथ है। तो जो मैंने ग्राफिक्स सेट किए हुए है ना उस पर मैं गेम को आराम से खेल पा रहा हूँ, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। यहाँ तो मेरे को इश्यूज देखने को नहीं मिल रहे, अब आराम से इसमें गेम खेल पाओगे यार, COD अच्छे ग्राफिक्स से भी खेल पाओगे। ठीक है, इसमें तो कोई इश्यूज मेरे को कोई दिख नहीं रहे। तो मेरे हिसाब से यार एक्सिनोस 1280 इतना झेल पा रहा है और आपको इतनी अच्छी बैटरी लाइफ दे पा रहा है, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है यार। तो गाइस अभी तक तो काफ़ी स्मूथ गेम प्ले है, मेरे को कुछ इश्यूज देखने को नहीं मिल रहे यहाँ पे। तो गाइस इसको मिनिमाइज कर देते हैं। तो गाइस हीटअप की बात करते हैं ना, तो ये डिवाइस कुछ टाइम आप गेम खेलोगे तो आपको हीटिंग यहाँ पे फील होगी, बट कितना हीटअप होगा इतना ज़्यादा नहीं होता कि भाई आप हाथ लगाओ आप इसको कंफर्टेबल तरीके से होल्ड भी ना करो, ऐसा हीटअप कुछ नहीं है। जनरल हीटिंग आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी, जब आपको कोई भी आप फोन ले लो उसमें आप गेम्स खेलोगे तो आपको देखने को मिलेगी, इसमें भी आपको सेम ही मिलती है। मेरे को इतना ज़्यादा हीटअप देखने को इस डिवाइस में नहीं मिला। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं स्पीकर्स की, तो इसमें मोनो स्पीकर्स है, और यदि आप सेटिंग सेक्शन पे आओगे ना आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है डॉल्बी एटमोस का, बट आप यूज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि डॉल्बी एटमोस जो है आपके स्टीरियो स्पीकर्स फोन में होने चाहिए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो सिर्फ हेडफोन्स में और ब्लूटूथ डिवाइस के अंदर। ठीक है, ब्लूटूथ हेडसेट के अंदर, तो जो डॉल्बी वाला इफेक्ट है आप सिंगल स्पीकर में यूज़ नहीं कर सकते इस डिवाइस के अंदर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से गाइस काफ़ी अभी तक बैलेंस्ड फोन लग रहा है, आपने खुद ने देख ही लिया गाइस, मैंने जब सारी एप्लीकेशन यूज़ करी कहाँ पे ग्लिचेस आ रहे हैं, कैमरा एप्लीकेशन में कौन से ग्लिचेस आ रहे हैं। ठीक है, और मैंने गेम भी इसमें आपको खेल के दिखा दिया, तो वो प्लेबल है, ऐसा नहीं है गेम आप खेल नहीं सकते हो, काफ़ी अच्छे फ्रेम्स आप गेम खेल पा रहे हो एक्जिनोस 1280 के अंदर, जो कि 5 नैनोमीटर पे बेस्ड है। हमको बैटरी बहुत अच्छी मिल रही है इसके अंदर, 10 घंटे तो आराम से निकाल के दे रही है, 3 दिन मेरे को हो चुके हैं अभी तक और 10 घंटे आराम से स्क्रीन ऑन टाइम मेरे को मिल रहा है, अभी भी 7% रिमेनिंग है जब मैंने 3 घंटा गेम खेला इसके अंदर। तो बैटरी लाइफ हो बहुत बढ़िया चल रहा है डिवाइस, सुपर एमोलेड डिस्प्ले हो बहुत बढ़िया है, सिंगल स्पीकर है, थोड़ा यहाँ पे कट डाउन किया है सैमसंग ने और एक्जिनोस का 1280 का प्रोसेसर दिया है, बट जो प्रोसेसर है 1280 काफ़ी केपेबल है, आपको थोड़े बहुत ग्लिचेस तो दिखेंगे बट फोन यूजेबल, इसमें कोई इशू है नहीं, गेम्स वगैरह आप खेल पाओगे तो भी कोई दिक्कत है नहीं। तो मेरे हिसाब से काफ़ी बैलेंस्ड फोन बनाया है सैमसंग ने इस बार, और एंड्रॉयड अपडेट्स की बात करें तो आपको 4 ईयर्स के एंड्रॉयड अपडेट्स तो मिलने ही वाले इस डिवाइस के अंदर, तो काफ़ी अच्छा डिवाइस है यार 17,000 के अंदर, 17,000 में तो मेरे को तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, बाकी मैं इसकी टेस्टिंग करता रहूँगा, चैनल पे वीडियोस डालता रहूँगा, और आपके जो भी डाउट हो ना इससे रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो कि आपको किस चीज़ की टेस्टिंग चाहिए। ठीक है, तो वो भी मैं कर दूंगा इस डिवाइस पे। ठीक है, और यदि गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और जो भी आपके डाउट हो बिंदास आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लीजिएगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके, अगली डाटा में सी यू।